चैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी भर्ती परीक्षा के री एग्जाम के लिए लगातार छात्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और आपने जो भर्ती बोर्ड ने साक्ष्य मांगे थे आप लोगों से, आपने कितने साक्ष्य हैं वो अभी तक भर्ती बोर्ड के पास भेजे हैं, और कौन से शिफ्ट का री एग्जाम होने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसकी सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देख रहिएगा। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आप इको गार्डन में क्यों नहीं चल रहे, तो देखो मैं इको गार्डन में जाऊं कि यहां पर अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि मैं जिस विभाग में कार्यरत हूँ और उसी विभाग में कार्य करने के लिए आप भी आ रहे हैं, तो इस बाकी कुछ कंडीशन होती हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी की अभी आप लोग आपकी जॉब नहीं लगी, आप पुलिस विभाग में नहीं आए, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। बाकी की ये मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो लोग इको गार्डन में 17 और 18 फरवरी को पेपर लीक हुआ उसके मामले में जो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हो, और इसके जुड़ी कुछ बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, कल भर्ती बोर्ड ने जो वहाँ पर टीचर थे वहाँ से उन लोगों को, भर्ती बोर्ड की एक टीम आई थी जिन्होंने गाड़ी से आप लोगों को भर्ती बोर्ड के मुख्यालय लिया गया था, जिसमें गए थे टारगेट आलोक के रवि सर और मारूफ सर। एक एग्जाम है, एग्जाम लैब्स कर से एक यूट्यूब चैनल है उसकी मैम गई थी, और दो टीचर और थे, यानी टोटल 5 टीचर गए थे और 2 स्टूडेंट गए थे, और आप लोगों ने नवीन सर और विवेक सर को जाने नहीं दिया, क्योंकि यही दो टीचर हैं सबसे ज़्यादा यही लीड कर रहे हैं। अगर ये लोग चले जाते तो फिर जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा था उसे फिर लीड कौन करे। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब जो कल मैंने जो आप लोग जो टीचर लोग गए थे उनके बाद उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी के मैं बता दूं कि अब तक भर्ती बोर्ड ने जितने भी साक्ष्य भेजे हैं आप लोगों ने, मात्र 1500 भर्ती बोर्ड के पास साक्ष्य भेजे गए हैं, क्या 1500 साक्ष्य भेजे गए हैं, और 1500 साक्ष्यों में से उस शिफ्ट के साथ सबसे ज्यादा भेजे गए हैं जो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यही साक्ष्य में से जो मारूफ सर है क्लाइमैक्स अकेडमी प्रयागराज वाले, उन्होंने भी यही साक्ष्य दिए हैं जो आप लोगों ने भर्ती बोर्ड के समक्ष ईमेल आईडी के जरिए भेजे हैं। आप लोग बहुत से लोग लगातार कमेंट करके कह रहे थे कि मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास साक्ष्य, तो मात्र 1500 बच्चों के पास साक्ष्य थे, बाकी के सब लोग सिर्फ कमेंट ही करना जानते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप अपने हित की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप भेजते, तो जो निर्णय होता भर्ती बोर्ड का सब लोगों को मान्य करना था, ठीक है। और सबसे ज्यादा साक्ष्य है वो 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट के साक्ष्य सबसे ज्यादा भेजे गए, तो इन्हीं का री एग्जाम होने के सबसे ज्यादा चांस लग रहे हैं, क्या 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट के री एग्जाम होने के सबसे ज्यादा चांस लग रहा है, और कुछ मामले में 18 के फर्स्ट शिफ्ट का भी साक्ष्य भेज गया, लेकिन 17 के फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल अभी तक किसी ने भी साक्ष्य नहीं भेजा। जो लोग कह रहे हैं कि 17 के फर्स्ट शिफ्ट का मेरे पास साक्ष्य था, तो आपके पास साक्ष्य होता है तो आप लोग जरूर भेजिएगा। और ये साक्ष्य जो कल तक भर्ती बोर्ड के द्वारा वहां पर बताया गया, तो जो माननीय रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास ईमेल आईडी के जरिए से साक्ष्य आ गए हैं, तो उन साक्ष्यों की हम 2 दिन के अंदर जांच करा लेंगे, और अगर इसमें 1% भी, क्या अगर 1% भी अगर पेपर लीक हुआ होगा तो इसका री एग्जाम होना तय है। तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल आप कंफर्म लगा सकते हैं कि आपका री एग्जाम होना तय है, क्या री एग्जाम होना तय है, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। हाँ, और आप लोग कहोगे 17 के फर्स्ट शिफ्ट वाले तैयारी करें कि ना करें, देखो मैं ये नहीं करूंगा कि 17 के फर्स्ट शिफ्ट वाले तैयारी ना करें, तैयारी सभी लोग कीजिएगा। शायद अगर देखो अगर 4 शिफ्ट का अगर री एग्जाम होता है, अगर आप बीच में पढ़ाई रोक दोगे तो फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप किसी भी शिफ्ट के हो, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और जो लोग अगर नहीं गए, मतलब वहां पर नहीं गए इको गार्डन में, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिससे उन लोगों को भी अपडेट मिल जाए, क्योंकि हर लोग पॉसिबल नहीं होता है कि वो जाकर के वहां सम्मिलित हो पाए, क्योंकि कुछ घरों की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ बहनें भी अपने घरों की समस्या की वजह से नहीं जा पाएंगी, कुछ भाई भी अपने घरों की समस्या की वजह से नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ आप लोग सकारात्मक सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा ध्यानपूर्वक सोच समझ के कमेंट किया करो। मेरे भी कुछ मजबूरी होती है जिससे हम लोग खुल करके नहीं बोल सकते। आप जिस दिन इस वाक में आ जाओगे ना, तो इस वाक की आप सारी
हकीकत जान जाओगे और क्या क्या हमें नियम कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से फिर आप भी लोग ये नहीं बोल पाओगे। ये पुलिस किसी भी धरने में सम्मिलित नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ इसका काम रहता कि धरने को शांत रखना, ठीक, और धरने को जल्द से जल्द समाप्त करना। और यही रेणुका मिश्रा जी की और भर्ती बोर्ड की जो टीम आई थी, उन्होंने टीचर लोगों से कहा था कि आप जो धरना दे रहे हो इसे आप शांतिपूर्वक धरना देना और इसे राजनीतिक नहीं बनाना, क्योंकि इसमें से कुछ भी पार्टियों के जो विशेष पार्टियां हैं यूपी में वो लोग पहुंचेंगे और आप इस धरने को राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी छात्र हैं कोई भी इस भर्ती को राजनीतिक बनाने का नहीं कर, अगर ये भर्ती राजनीतिक बन जाती तो फिर समझ लीजिएगा कि आपका साथ वो हो जाएगा जो आपने सोचा नहीं था, ठीक है। बाकी की मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड ने कहा आप धरना दे रहे हो, शांतिपूर्वक धरना देते रहिए और इसके बारे में दो दिन के बाद यानी कल तक आपको एक अच्छा क्या कल आपको एक अच्छी न्यूज मिल सकती है री एग्जाम से जुड़ी, क्योंकि आज और कल में क्या आज और कल में भारतीय बोर्ड जो साक्ष्य भेजे हैं इन साक्ष्यों को वेरीफाई कर लेगा और जिसके बाद वो बता देगा कि हाँ वास्तव में पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। जो भी निर्णय आएगा भारतीय बोर्ड का हम लोगों को मान्य करना पड़ेगा। और रेणुका मिश्रा जी ने कहा है कि अगर बिल्कुल इसमें चूक हुई होगी तो अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिएगा क्योंकि री एग्जाम होने के सबसे ज़्यादा चांस बन चुके हैं और री एग्जाम कब होगा इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपका एग्जाम मार्च में होगा कि या आपका एग्जाम जून जुलाई में हो सकता है, उस पर मैंने प्रॉपर समझा दिया है, ठीक है। और आप लोग समझ रहे हो कि कितनी जल्दी आपका री एग्जाम हो पाएगा, और मैं आपको बता दूँ आप शायद आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ना हो और ये जो एग्जाम है हाइब्रिड मोड में हो, क्योंकि हाइब्रिड मोड में अगर आपका एग्जाम होगा तो कई शिफ्टों में एग्जाम चलेगा क्या कई शिफ्टों में एग्जाम चलेगा और इस एग्जाम के लीक होने की बहुत कम संभावना बन जाएगी, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी और आपने जो साक्ष्य भेजी हैं वो बिल्कुल ठोस साक्ष्य भेजे हैं जो आप लोग लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंटिंग मीडिया के जरिए से सभी लोगों को अवगत करा रहे हो। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों के साथ साझा कीजिएगा जिससे वो भी लोग जान पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।